एमपी में बर्बरता की सारी हदें पार। दो दलित बच्चों को पीट पीट कर मार डाला। खुले में शौच करने पर सजाए मौत। ये सफेद कफन में बंधी हुई लाशें दो दलित बच्चों की हैं। दलित थे इसलिए मार दिए गए। जिस देश में दलित होना सजा बन गया है, वहां ये सब तो होना ही है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में खुले में शौच कर रहे दो दलित बच्चों की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। मामला जिले के सिरसों थाना क्षेत्र के भावखेड़ी गांव का है। यहां पर बुधवार की सुबह वाल्मीकि समाज के दो बच्चे रोशनी, जिसकी उम्र सिर्फ 12 साल थी, और अविनाश, जिसकी उम्र सिर्फ 10 साल बताई जा रही है, पंचायत भवन के सामने सड़क पर शौच कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक हाकिम यादव ने दोनों बच्चों को सड़क पर शौच करते हुए देखा और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। उसके बाद उसका भाई रामेश्वर यादव भी आ गया और दोनों ने मिलकर बच्चों पर हमला कर दिया। दोनों बच्चों को इतना मारा गया कि उनकी मौत हो गई। अविनाश के पिता मनोज वाल्मीकि के मुताबिक दोनों बच्चे सुबह 6 बजे शौच के लिए निकले थे। हाकिम और रामेश्वर यादव ने उनकी लाठियों से पिटाई की। उन्होंने दोनों को तब तक मारा जब तक उनकी मौत नहीं हो गई। जब मैं वहां पहुंचा तो वो दोनों वहां से भाग गए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में बीएसपी प्रमुख मायावती ने दुख व्यक्त करते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मायावती ने ट्विटर पर लिखा, देश के करोड़ों दलितों, पिछड़ों व धार्मिक अल्पसंख्यकों को सरकारी सुविधाओं से काफी वंचित रखने के साथ साथ उन्हें हर प्रकार की द्वेषपूर्ण जुल्म और जातियों का शिकार भी बनाया जाता रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश के शिवपुरी में दो दलित बच्चों की नृशंस हत्या अति दुखद व अति निंदनीय है। ये सच बहुत ही कड़वा है, तो फिर खुले में शौच को मजबूर दलित बच्चों की पीट पीट कर हत्या करने वालों को फांसी की सजा अवश्य दिलाई जानी चाहिए। इस देश में दलित होने की सजा मौत हो गई है। स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर कहीं दलित बच्चों की बलि दी जा रही है, तो कहीं गटर में दलित सफाई कर्मियों की। ब्यूरो रिपोर्ट, द शूद्र। आप देख रहे हैं द शूद्र। बहुजन समाज से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके।